देखिए सर, 11 फारा कल्टीवेटर लगाए है, अब बामुश्किल से निकल पा रहा है, और ये सब तार वार टूटते हुए निकल पाएगा। अगर इधर उधर हुआ तो तार वार लपेट देगा सब कायदे से, इसीलिए बहुत बड़ा इम्प्लीमेंट लेना, दूसरे का नुकसान और अपना नुकसान करना है। छोटे इम्प्लीमेंट रखने पड़ते हैं रास्ते सकरे होने की वजह से। RA 764 अपने खेत में चल रहा है, और ISR ये इधर आया है जुताई करने। अभी इसमें चारा वगैरह बो दिया गया है, उसके बाद ये भी सलावन डाल करके दूसरा वहाँ चल रहा है इसमें। नौ के कल्टीवेटर को खींच रहा है स्वराज अपना, छोटा है पर रास्ते बहुत ही सकरे हैं, क्या किया जाए। चलिए गाड़ी हटानी है, देखते हैं। देखिए कैसे स्वराज खेत को जुताई कर रहा है, थी बहुत ही बढ़िया। ये 1200 RPM पे हाई के पहले गियर में चल रहा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। थोड़ी भरभरी मिट्टी है, इसमें चारा और उड़द बोया गया है इस वाले खेत में। इस वाले खेत में अरहर और तिल बोया गया है, देखिए कैसी परफॉर्मेंस निकल के आती है। ऊपर तक मिट्टी फेंक रहा है कल्टीवेटर पे, बहुत ही उमदा गहराई लेता हुआ। अभी ये ऐसा ही खेत पड़ा हुआ गेहूं काटने के बाद, देखिए 6-6 इंच लगभग इसने गहराई ले लिया है, और अभी 1200 RPM में चल रहा है, लेकिन एकदम मिट्टी को उछाल उछाल के फेंक रहा है। यहाँ की हमारी मिट्टी बहुत अच्छी है, कुछ भी इसमें डाल दो उग जाता है, कुछ भी डाल दो, कुछ भी धान गेहूँ सरसों उड़द सब्जी तिल मूंग, मतलब जो कुछ आप सोच सकते हो वो इस मिट्टी में उत्पन्न हो जाता है। ये केवल यहाँ पे नीचे ताल है,
साल के ऊपर की ये बलभर मिट्टी है, पीली मिट्टी जिसे कहते हैं, बहुत बढ़िया है। उपजाऊ इसकी बहुत बढ़िया है, हर फसल इसमें बहुत अच्छी होती है। बस ये केवल कुछ जानवरों की दिक्कत है, जानवर खेत चढ़ जाते हैं, बाकी अगर बच जाए। अरहर वगैरह यहाँ पे बहुत बढ़िया होती थी, जो नरी बहुत अच्छी होती थी, ज्वार बाजरा ये सब फसलें बहुत अच्छी होती थी यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ जानवरों की बहुत समस्या है, जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता है। देखिए ऊपर तक मिट्टी फेंक रहा है, तकरीबन 6 इंच ज़मीन में गड़ कर हाई के फर्स्ट गियर पे लगभग 12 बार को मिटल रहा है। उसकी एक बार जुताई हो गई, अब सराउंड गिरा करके दोबारा एक बार और जोता जाएगा, उसके बाद इस खेत का काम कम्प्लीट।